दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी इंडिया में। देखिए दोस्तों, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या लाइफ में आप कोई भी ऐसा गोल सेट कर रहे हो जो आपको पाना हो, तो आपको एक डेली बेसिस पे एक टाइम टेबल होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी पहले देनी है और कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक टाइम टेबल बनाया है, जो बिल्कुल आइडियल तो नहीं है, बट हाँ, जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हो सकता है ये इसको आप आइडियल बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा महत्व होती है हमारे जीवन में, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, बल्कि हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक टाइम टेबल की। जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम एक डिसिप्लिन के अंदर बन जाते हैं, और जब उस डिसिप्लिन के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो ज़रूर हम अपने गोल की तरफ अग्रसर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप मैं यहाँ पे टाइम टेबल की बात करूँगा कि किस तरीके से हम अपना टाइम टेबल सेट करेंगे। देखिए, ये जो टाइम टेबल है ये किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, बट बेसिकली मैं यहाँ पर जो रेफरेंस रख रहा हूँ ये उत्तराखंड का जो अपर PCS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं यहाँ पर एक टाइम टेबल सेट करके रख रहा हूँ। आपका जो भी अदर एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपने टाइम को और अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों के टाइम के हिसाब से मैंने यहाँ पे टाइम टेबल को सेट करा है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है और दिन में पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो टाइम टेबल की जो शुरुआत करी है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी सुबह जल्दी उठें, क्योंकि देखिए सुबह जल्दी उठने से ये होता है कि एक तो उस टाइम पे गर्मी नहीं होती है, आपको ज़्यादा पंखे की आवश्यकता भी नहीं है, और सुबह जब आप पढ़ते हो तो ज़्यादा ध्यान लगा के पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी जो टाइम टेबल है ये अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या होने वाला है, देखिए इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप कम से कम 4:30 और 5 बजे के आसपास उठ जाए। जब आप 4:30 और 5 बजे के आसपास उठ जाएंगे तो जो आप अपना टाइम टेबल जो स्टार्ट करेंगे वो 5:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो पहला जो स्लॉट होगा 5:30 बजे से 7 बजे तक का रहेगा, जिसमें कि आप 1.5 घंटे की पढ़ाई करेंगे। उस 1.5 घंटे की पढ़ाई में आप एक ऐसा सब्जेक्ट रखिएगा जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो शायद आपके लिए न्यू हो सकता है, या जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वहाँ पे आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा, साथ साथ में आप नई चीज़ पढ़ोगे तो आपको और अच्छे तरीके से आप उस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पर रखा है कि हिंदी सब्जेक्ट, देखिए हिंदी सब्जेक्ट मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है या न्यू सब्जेक्ट लगता है जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपकी 1.5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी 7 बजे तक। उसके बाद आप आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आधा घंटे के जब आप ब्रेक लेंगे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिएगा उस टाइम पे, आधा घंटे के टाइम पे, या कुछ भी जो आपको करना हो, या जब आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो तो उस टाइम पे आप वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, या चाय वगैरह आपको पीनी हो। उसके बाद 7:30 से लेकर 9 बजे तक फिर से 1.5 घंटे का स्लॉट रखा है। उस 1.5 घंटे में आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि आपके लिए फिर से एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट हो या जिस पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। क्योंकि सुबह का टाइम मैंने फिर से बताया आपको, एक ऐसा टाइम होता है जब आप चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे उत्तराखंड को रखा है, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो देखिए, सुबह के 9 बजे तक आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपके 3 घंटे भी पढ़ाई के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्लॉट है और मैं ये चाहूँगा आपको कि आप इस स्लॉट को बहुत ही डेडिकेटली फॉलो कीजिएगा। देखिए, ये सुबह का समय मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब हम दिन में पढ़ने लग जाते हैं तो दिन में क्या होता है कि कभी कोई और काम पड़ जाता है, कभी कुछ काम पड़ जाता है, तो हमें हो सकता है कि उन काम के लिए जाना पड़ा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमने शेड्यूल रखा था वो शेड्यूल क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए सुबह ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, 9 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम 1 घंटे का मैंने आपके लिए स्लॉट रखा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अपना नहा सकते हैं आप, या कुछ भी आप उस टाइम पर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, 10 बजे से 11:30 बजे का 1.5 घंटे का टाइम रखिएगा। देखिए, मैंने 1.5 घंटे का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि 1.5 घंटे के बाद जब आप
पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो आपका जो फोकस है वो फोकस कम होने लग जाता है, जो इफ़िशेंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी घटने लग जाती है। इसलिए मैंने डेढ़ डेढ़ घंटे का स्लॉट यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए, जब डेढ़ घंटे का जो स्लॉट है, उस डेढ़ घंटे के स्लॉट में आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं या हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट उठा लीजिए जो आप अभी रिवाइज़ करना चाहते हैं या जिस पे आप फोकस करना चाहते हैं इस मंथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, 11:30 बजे के बाद फिर से आधा घंटे का मैंने यहाँ पर ब्रेक रखा हुआ है। उस आधा घंटे के ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी वो मर्जी है, ठीक है। आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए, माइंड से फ्रेश हो जाए, और उसके बाद चीज़ों को दोबारा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं जो कम से कम 10-11 बजे के आसपास करंट अफेयर डाल देते हैं, इसलिए मैंने करंट अफेयर को 12:30 बजे रखा हुआ है। क्योंकि आप सुबह, अगर सुबह तो कोई ज़्यादातर करंट अफेयर लाते नहीं हैं, लाते हैं तो MCQ फॉर्मेट में लाते हैं, बट वो MCQ फॉर्मेट तो यहाँ पर चलेगा नहीं, ठीक है, मेंस में। तो इसलिए जो भी एडिटोरियल है या कुछ भी है, आप उसको 12:30 बजे से 1:30 बजे के आसपास पढ़ सकते हैं। तो जो करंट अफेयर का जो यहाँ पे मैंने स्लॉट रखा है, वो 12:30 बजे से 1:30 बजे का रखा है, यानी कि लगभग एक घंटे से थोड़ा सा आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है, ये आपके हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से करंट अफेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर 1.5 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। चाहे तो आप 1.5 घंटा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर जिस तरीके से आप भी अपना शेड्यूल बनाते हैं। तो करंट अफेयर भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली आज की कम्पिटिटिवनेस के हिसाब से आपको करंट अफेयर पर भी बिल्कुल फोकस करना है। उसके बाद देखिए, 1:30 बजे के बाद आप फिर आपका लंच हो जाता है, ठीक है, लंच हो जाता है, फिर 2 बजे अब बच जाती है, फिर 2 बजे के बाद 2:30 बजे तक आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है, कभी कभी नींद आ जाती है तो 3 बज जाता है। 3 बजने के बाद जब आप उठोगे तो एकदम पढ़ने नहीं बैठोगे, फिर 3 बजे के बाद थोड़ा सा आप मुँह वगैरह धोलोगे, फिर उसके बाद लगभग 3:30 बजे तक आप बिल्कुल फ्रेश हो जाना अच्छे से माइंड से भी, और फिर से 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे या आप 5 बजे तक जा सकते हैं, बट मैंने 1 घंटे का टाइम रखा। और ये 1 घंटे का टाइम मैंने इसलिए रखा है कि यहाँ पे आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे दिन में, देखिए दिन में तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा आपका टाइम माइंड लगेगा नहीं, फोकस होगा नहीं उतना ज़्यादा, क्योंकि गर्मी भी आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है, आप सभी को पता है। बट ये 1 घंटे का स्लॉट मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि इस 1 घंटे में आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब आपको बस उसको रिवाइज़ करना है, ताकि आप जल्दी जल्दी भी पढ़ें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चीज़ों को पढ़ना है। तो दिन में वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यानी कि आप उतने फोकस लगा के भी अगर उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ोगे, फिर भी आपको चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ आपको करनी है दिन में, ठीक है। जब 4:30 बजे या 5 बज जाए आपके, आप अगर चाहें तो उसे 5 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 5 बजे के बाद आप सभी को पता है, 5 बजे के बाद फिर आप शाम को घूमने जा सकते हैं, या आप जिम वगैरह जाते हैं या दौड़ने वगैरह जाते हैं, तो आप उस तरीके से अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, आप कम से कम बाहर घूमेंगे, आप टाइम लगेगा आपको चीज़ें, ठीक है, तो लगभग 6-7 के आसपास हो जाएगा। बट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए चीज़ों को ज़्यादा घूमने से, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको चीज़ों को फोकस करके चलना है। तो अपने आप को डिसिप्लिन में बांधना भी इम्पॉर्टेंट है। जो टाइम आपने जिस चीज़ को दिया है, कोशिश करिए कि आप उसी टाइम को फॉलो कीजिएगा। फिर जब 4:30-5 बजे के बाद कम से कम 2 घंटा हो रहा है, 5 बजे से लेकर 7 बजे के आसपास, 7-7.5 घंटा हो जाता है, तो उस बीच में आप चाहे तो आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, या आपका जो भी मन कर रहे दोस्तों के साथ घूम लीजिएगा, फ़ोन पे बात कर लीजिए अपने घर, तो वो सारी चीज़ें आप उस टाइम पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट, सबसे मैं कहूँगा इस टाइम टेबल में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, डैट इज़ रिविज़न। देखिए दोस्तों, रिविज़न एक ऐसी कड़ी है जो बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखिए, वो क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, दिन में 10-12 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, और उन 10-12 सब्जेक्ट पढ़ के उनको ये लगेगा कि आज तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ दिया। बट अगले दिन जब वो उनको उनकी तरफ देखते हैं, या दिन 3-4 दिन बाद उन सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं जिनको उन्होंने पढ़ा था, तो उनको कुछ याद नहीं रहता है। और याद क्यों नहीं रहता है, याद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को रिवाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि रिविज़न इज़ द की। देखिए, जब रिवीजन आप चीज़ों का करेंगे तो आपकी माइंड में जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली फिट होती जाएंगी। और देखिए, जब भी आप कोई भी मेंस लिखते हैं या कोई भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स लिखते हैं, तो उस चीज़ के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगता है।
ठीक है, और आप डेली बेसिस पे जब रिवाइज करेंगे ना तो चीज़ें आपके लिए हल्की होती जाएंगी, ठीक है। और ये एक साइंटिफिकली मेथड भी है कि जब आप चीज़ों का रिवाइज डेली बेसिस पे करते हैं या तुरंत तुरंत करते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में एक लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहें तो फिर आपको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये टाइम रखा है लगभग 2 घंटे का, 7:30 से 9:30, आप चाहे तो 10 बजे तक रख सकते हैं, बट मैं ये रखूँगा कि 9:30 बजे तक आप इस टाइम स्लॉट को रखिए। 2 घंटे के अंदर आप आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों का। अब जब 9:30 बजे तक आपने रिवाइज़ कर दिया, उसके बाद 9:30 बजे के बाद अपना डिनर कर सकते हैं आप। 9:30 बजे के बाद आप डिनर कर लोगे तो 10 बज जाएंगे, 10:30 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 10:30 हो ही जाता है, देखिए आधा घंटा तो खाने में ही लग ही जाता है, फिर 10:30 आधा घंटा आप थोड़ा रेस्ट करोगे। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि खाना खाने के बाद आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है, तो जब अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है तो जल्दी भी सोना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप 11 बजे तक अपने बेड में चले जाएँ और सो जाएँ, क्योंकि जब आपको 5 बजे उठना है तो 11 बजे से लेकर देखिए 5 बजे तक 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे की नींद आपको लेना ज़रूरी है। जब आप 6 घंटे की नींद लेंगे ना तभी जाके आप चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे अगले दिन। अगर सपोज आप रात को मोबाइल पे लग जा रहे हैं, ठीक है, रात को मोबाइल पे देखते देखते आपको पता ही नहीं चला 12 बज गया, 1 बज गया और आपने कुछ करा ही नहीं, तो फिर सुबह आप उठ नहीं पाएंगे। सुबह उठ नहीं पाएंगे तो आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो मन में जो होगा वो एंग्जाइटी आ जाएगी, ठीक है, चीज़ों के प्रति ये हो जाएगी, गिल्टी आ जाएगी, खुद से अंदर से गिल्टी फील हो जाएगी और फिर आपका जो पूरा दिन है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ मैं कि एक डिसिप्लिन होता है, एक जो डिसिप्लिन, देखिए दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो एक डिसिप्लिन के अंदर काम करते हैं, तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। दोस्तों देखने में चीज़ें बहुत, यहाँ पे आपको दिखने में चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी कि आप कहेंगे यार ये टाइम टेबल ये तो मैं आसानी से फॉलो कर सकता हूँ, बट जब आप फॉलो करने लग जाएंगे ना तब जाके आपको पता चलेगा कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही हैं। कभी आपको कोई बुलाएगा, कभी कोई बुलाएगा, कभी आपका मन नहीं करेगा, कभी आपका मूड चेंज हो जाएगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारे फैक्टर हैं, इन सारे फैक्टर को लेके क्या आप इन चीज़ों को, जो ये टाइम टेबल है उसको फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी यहाँ पे मैंने आपको टाइम टेबल दिया है आप सभी को ये टाइम टेबल सही लगा होगा। अगर आपको सही नहीं लगा है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट अपने जीवन में डेली बेसिस पे टारगेट को सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जब आप डेली बेसिस, देखिए जो आपका गोल है, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ों को ध्यान से सुनिए तब जाके ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ये यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ, सपोज़ ये आपका एक गोल है, ठीक है। अब देखिए जब गोल की तरफ जाते हैं तो हम बिल्कुल सीधी लाइन में तो नहीं जा सकते हैं, कभी हमें यहाँ जाना पड़ेगा, कभी इधर, कभी इधर, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े होके हमें अपने गोल की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे बेटर क्या है कि जो ये आपका गोल है, जो ये आपने यहाँ पे गोल बनाया है, इस गोल को आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लीजिए। यानी कि जो आपका पेपर है, यानी कि जो आपका पेपर सपोज़ 4-5 महीने बाद है, तो सपोज़ ये 4-5 महीने बनाए हैं आपने, सपोज आपके पास पेपर 4 महीने के बाद है, तो ये देखिए, तो ये क्या होगा, ये पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये 5 महीने का स्लॉट बनाया आपने, तो उस 5 महीने को आपने 1-1 मंथ में डिवाइड कर दिया। तो मंथली आपने टारगेट, देखिए एक तो पूरा टारगेट बना दिया आपने, फिर उसके बाद मंथली टारगेट, उसके बाद वीकली टारगेट और उसके बाद डेली टारगेट। तो जब आप डेली टारगेट बनाओगे, वीकली टारगेट बनाओगे, मंथली टारगेट बनाओगे और उन टारगेट्स को टाइम से क्या करोगे, पूरा करोगे, तो ये मान लीजिए कि आप अपने गोल की तरफ बहुत सही जा रहे हो। अगर आप अपने डेली टारगेट को ही नहीं पूरा कर पा रहे तो आप वीकली टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, और वीकली टारगेट को पूरा नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली मंथली और जो आपका गोल है उसको पूरा कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टारगेट को बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप डेली टारगेट बनाइए, उस डेली टारगेट को रात में असेसमेंट कीजिए कि हाँ जो मैंने डेली टारगेट रखा था उस डेली टारगेट को मैं कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ, और उस जब मैं उस डेली टारगेट को जब आप
लास्ट में असेसमेंट करके ये पाओगे कि आपने कर दिया, तो आप एक चैन की नींद सो पाओगे और जो अगला दिन होगा वो भी आपका बेहतरीन होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अपना डेली टारगेट उसी हिसाब से बनाए जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी है, यानी कि डेली टारगेट इस तरीके से मत बना देना कि जो आप पूरा कर ही नहीं सकते, जो मतलब अनरीजनेबल है। सपोज आप कह रहे हो कि यार मैं एक दिन में 10 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, जो कि लगभग लगभग इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ही सब्जेक्ट रखे हैं, तो एक दिन में आप कम से कम इस करंट अफेयर को हटा दो तो 3-4 ही क्या पढ़ पाओगे, सब्जेक्ट पढ़ पाओगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे आप, मिनिमम तो आप 3 के आसपास तो आपको पढ़ना ही है। तो देखिए, इस तरीके से आपको अपने डेली टारगेट को बनाना है। जब आप डेली टारगेट को बनाओगे तो ऑब्वियसली आप अपने गोल की तरफ अग्रसर होते जाओगे। तो दोस्तों, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आई होप आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी होंगी और आप ज़रूर ज़रूर फॉलो करोगे उन सारी चीज़ों को। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको लगा कि इस चीज़ से फ़ायदा होने वाला है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।